तो भाई साहब आज हम लोग लोअर टाउन हॉल, नॉट टाउन हॉल 7, 8, 9, 10, आज हम लोग टाउन हॉल 12, 13, 14 और 15 के ऊपर हमारी फेवरेट अटैक स्ट्रेटजी के साथ अटैक करने वाले हैं, वो भी टूर्नामेंट मैच के अंदर। फिलहाल एक ही बेस बचा है टाउन हॉल 12 का, जिसको हम लोग क्लियर करना है। ये रहा गाइस बेस, और यहाँ पे रूल ऐसा है इस टूर्नामेंट के अंदर, WCL हैवी करके टूर्नामेंट है, यहाँ पे रूल ऐसा है कि आप लोग उस टाउन हॉल के ऊपर वही सीज मशीन यूज कर सकते हो। मतलब टाउन हॉल 12 के ऊपर जो सीज मशीन अलाउड है वही यूज करनी है, ऊपर वाले टाउन हॉल की नहीं यूज करनी। फॉर एग्जांपल 12 के ऊपर मैं फ्लिंगर यूज नहीं कर पाऊंगा या फिर वो सीज बैरक यूज नहीं कर पाऊंगा। हमारी क्वीन चार्ज हॉग वाली आर्मी होने वाली है, लेट्स सी, देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इस वाले बेस के ऊपर। ओके गाइज, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चालू करना चाहूंगा मेरा क्वीन चार्ज। यहाँ पे एक बलून डाल के लिंप जाएगी भाई डायरेक्ट टाउन हॉल के लिए। चलो भाई बहुत सही, चलो सीसी आ रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही भाई, बहुत ही सही। टाउन हॉल गाइस हम लोगों को यहाँ से मिल चुका है, नाइस। एक बलून, एक रेज, हेड एंटर, ओके। चलो 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 चलो, लावा हॉन्ड हट जा, हट जाएगा लावा हॉन्ड। ओके गाइस, यहाँ पे ये डालेंगे, यहाँ पे दो बार्बेरियन किंग, वॉल ब्रेकर, वापिस बलून जाएगा। ओके नाइस गोइंग, रेज एंड हेड हंटर, ओके गोइंग गुड, वेरी गुड। होपफुली किंग निकाल ले भाई पूरा कंपार्टमेंट, है ना, और क्वीन हमारा यहाँ से निकाल ले भाई अच्छी खासी वैल्यू। किंग की एबिलिटी मार देते हैं। चलो दोस्तों ईगल तो हम लोगों ने यहाँ से कर लिया है डाउन, नॉइस। एक वॉल ब्रेकर, अबे यार गलत चला गया भाई, है तो तेरी की, कोई सीन नहीं है। टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास, किलर्स टारगेट हो सकती है, तो क्वीन को भी बचाना है हम लोगों को, ठीक है। ए जाएगा भाई यहाँ पे, आपके लिए विजर्ड्स, एक रेज, बचे हुए हॉक्स यहाँ पे आएंगे, कुत्ते की एबिलिटी, नाइस गोइंग, फ्रीज जाएगा, नाइस नाइस, वापिस एक फ्रीज एंड हील, ओके। क्या ये खत्म है? मेरे को तो लग रहा है कि खत्म है करके। ओके चल, क्वीन चार्ज हॉग हो गया गाइस। क्वीन चार्ज हॉग तो गाइस हम लोग टाउन हॉल 15 पे कर रहे हैं ना, 15 में वही कर रहे हैं हम लोग, क्वीन चार्ज हॉग ही तो कर रहे हैं। ओके आर्चर कम ऑन, टेक डाउन कर ले भाई। चलो भाई खत्म हो चुका है गाइस ये बेस, अरे जल्दी हो जा, नॉइस। तो भाई साहब जो एक बेस बचा था टाउन हॉल 12 का, उसको तो हम लोगों ने फोड़ दिया हमारे क्वीन चार्ज हॉग वाली आर्मी के साथ। टाउन हॉल 13 पे हम लोग नंबर 34 पे करेंगे, जो कि एकदम टोटली फ्रेश बेस है, ठीक है भाई। इस वाले बेस के ऊपर हम लोग करेंगे हाइब्रिड आर्मी के साथ अटैक। ओके टाउन हॉल में क्वीन चार्ज करेंगे, उसके बाद यहां से हम लोग हाइब्रिड चालू करेंगे, या फिर यहां से, जहां से भी जरूरत पड़ेगी वहां से हम लोग चालू करेंगे। ये रहने वाली है गाइस हमारी मेन आर्मी, लेट्स गो, देखते हैं गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं इस बेस के ऊपर, ठीक है। ओके भाई साहब, तो स्टार्टिंग में एक सुपर वॉल ब्रेकर आएगा, हट जा भाई, वेरी नाइस। हिलर्स आएंगे भाई यहाँ पे, ओके बेबी ड्रैगन, वेरी नाइस। यहाँ पे ये जाएगा भाई, चलो चलो क्वीन आ जाएगी ना टाउन हॉल में, बिल्कुल आएगी भाई, आना पड़ेगा क्वीन तुमको, इधर उधर मत भटक जाइयो। चलो फाइनली क्वीन हमारी टाउन हॉल की साइड पे आ चुकी है, अच्छी बात है। इधर एक स्नीकी डाल देता हूँ, इधर एक स्नीकी डाल देता हूँ, एक बलून,
यार इधर मल्टी भी तो है यार, अब ये मल्टी दिक्कत ना कर दे बस। वॉल ब्रेक करेंगे, चलो अच्छी बात है भाई, क्या बात है, दिल खुश कर दिया भाई क्वीन ने। पॉइजन आएगा भाई वो, थोड़ी देर के लिए ये करते जिससे कि मल्टी डाउन हुए पहले। अबे 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 हिलर्स, थैंक गॉड भाई, एक और रेज लगा देता हूँ, रिस्क नहीं लेना है ना। चालू करते भाई हाइब्रिड, अरे खील डालते और बुड्ढे की एबिलिटी, नाइस सही जा रहा है भाई अभी तक तो। पिन पे रेज, अरे एबिलिटी चली गई यार, अरे बाप रे, पूरा पूरा टेस्ला फार्म पीछे रखा है भाई बंदे ने। खील डालेंगे भाई यहाँ पे, खत्म लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है। क्वीन के पीछे हिलर्स दो ही है, कोई सीन नहीं है, फ्रीज जाएगा भाई। ओके और गाइस ये वाला बेस खत्म है, ठीक है तो ये वाला बेस भी हो चुका है खत्म। पता नहीं यार ये बंदे टाउन हॉल 13 के ऊपर दूसरी आर्मी कहाँ यूज करते यार, जबकि 13 की तो स्पेशलाइज्ड आर्मी है, हाइब्रिड 13 के लिए ही बनी है भाई। तो भाई साहब अभी हम लोग टाउन हॉल 14 से अटैक करेंगे इस बेस के ऊपर। भाई साहब मेरे को वैल्यू काफी तगड़ी नजर आ रही है इस बेस के ऊपर, और हम लोग करेंगे इसके ऊपर सुपर आर्चर ब्लिंप। ये रहने वाली है गाइस हमारी सीसी, सीसी के अंदर हम लोगों ने टोटल देखो 3 सुपर आर्चर्स लिए हैं, बाकी गॉब्लिंस वगैरह लिए हैं। लेट्स गो गाइस, देखते भाई क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये आएगा भाई स्टार्टिंग में, ढेर सारे बलून्स ब्लिंप, ये भी जाएगा, सिंपली जाएगी भाई बुड्ढे की एबिलिटी। ओके यहाँ पे खोलेंगे भाई, बहुत ही सही, यहाँ पे क्लोन वोन कर दिया। अबे मिनियन क्लोन हो गए माँ की आग, अबे मिनियन लेके आया था यार, मैं तो भूल ही गया, मिनियन को क्लोन कर दिया भाई गलती से। चलो कोई सीन नहीं है, फिर हम लोग काफ़ी अच्छी वैल्यू गाइस यहाँ से मिल चुकी है, वेरी नाइस वैल्यू। चलो भाई ठीक है, नाइस वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है। अभी ईगल में घुसेंगे भाई सबसे पहले, क्योंकि ईगल देगा दिक्कत। एक और वॉल ब्रेक, बहुत सही, रॉयल चैंपियन भी जाएगी भाई साहब उधर ही। चलो किंग घुस चुका है ईगल के अंदर, यार कोर वाला मल्टी नहीं मिल पाया यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्वीन ईगल में जाना प्लीज, अबे यार इधर किधर आ गई क्वीन, चलो ठीक है। आरसी एबिलिटी, नाइस वैल्यू, किंग की एबिलिटी, अबे यार ये वॉल फोड़ देते यार, क्वीन चली जाती है एटलीस्ट वहां पे, क्वीन चली जाती यार वहां पे। अभी दो मल्टी बचे भाई, क्वीन आ जा यार, आ जा, चलो सही है। हेड हंटर का तो ज्यादा इस्तेमाल हुआ ही नहीं है भाई, चलो भाई निकल गया ये वाला बेस। आई साउंड फट जा, फ्रीज हो जा, फट गया। जे बात गाइस ये हो गया यहाँ पे खत्म। सुपर आर्चर ब्लिम के साथ यार रिंग बेस पे अटैक करने में मजा ही अलग आता है। तो ये हो गया गाइज हमारा टाउन हॉल 14 पे 3 स्टार हमारी फेवरेट आर्मी के साथ, इजी पीजी। तो भाई साहब अभी हम लोग हमारा अगला अटैक करेंगे टाउन हॉल 15 से इस वाले बेस के ऊपर, और यहां पे मैं क्या यूज करूंगा पता है, यहां पे मैं यूज करूंगा
हमारी ये वाली आर्मी, सुपर आर्चर वाली आर्मी, बट नॉट इन सीसी, नॉट सुपर आर्चर ब्रिम भाई, ये वाली आर्मी भी हम लोग कर लेते हैं, लेट्स गो। देखते गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं इस बेस के ऊपर। ओके, मेरा सबसे पहला प्लान ये है कि बुड्ढे को डालो, एक दो तीन ही हीलर डालो, फिलहाल तीन हीलर ठीक है। उसके बाद फ्लिंगर ले लो भाई, कुछ डाल के देखो, कुछ नहीं है तो भाई डाल दो भाई फ्लिंगर अपना, सही है। फ्लिंगर ऊपर से बनाएगा फनल, नीचे से बनाएगा बुड्ढा। एक काम करते हैं ना, एक वॉल ब्रेकर डाल देते हैं यहाँ पे। चलो भाई ये सही हो गया, वॉल ब्रेक हो गई। उसके बाद गॉब्लिन डाल दो यहाँ पे, नाइस। ओके भाई दो हीलर और डाल देता हूँ, दिक्कत ही ना हो यार, दिक्कत चाहिए ही नहीं अपने को। चलो 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 चलो, ले भाई वापस गॉब्लिन। अच्छा जी डैमेज कर रहे हो बुड्ढे के ऊपर, कर लो भाई कोई दिक्कत नहीं है। इधर फनल बनना ज़रूरी है भाई, वरना सीन हो जाएगा हमारे साथ, क्या सीन हो जाएगा, इसलिए फनल बनाना ज़रूरी है। उसके बाद भाई डायरेक्ट जंप डाल दो यहाँ पे, ठीक है नाइस। डाल दो भाई सारे के सारे ट्रुप्स बिप, सब कुछ कोर में जाएगा भाई, सब कुछ जाएगा कोर में, वेरी नाइस। सेकेंड जंप भी आएगा, रेज आएगा भाई। अच्छा आइस गोलम, इनको पता था क्या इधर यही होने वाला है करके, क्या बात है भाई। इनकी एबिलिटी, बुड्ढे की भी एबिलिटी, अबे हिलर शिफ्ट हो जाओ यार, पूरा लग रहा है भाई ऐसे मत करो, शिफ्ट हो जाओ। रेज आएगा भाई यहाँ पे, चलो बहुत सही है, आइज गोइंग एबिलिटी हेवी स्पेल रेज रॉयल चैंपियन। अरे बाप रे, रेज के अंदर नहीं है हीलर्स, आ गई भाई फाइनली। ओके क्लीनअप के लिए विजर्ड, मिनियन मिनियन, दो ही हेड हंटर से बच चुके हमारे पास। प्लीज दो हेड हंटर्स वापिस, फ्रीज दो आर्चर्स भाई पैड के ऊपर। भाई साहब टाइम फेल मत होना, टाइम फेल नहीं होना भाई। आरसी एबिलिटी, अरे 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 टाइम फेल मत होना, मत होना अबे यार नसीब ही खराब है, बताओ यार टाइम फेल हो गया। तो भाई साहब ये थे आज के हमारे हर टाउनल के फेवरेट अटैक्स। आखिर का जो फेवरेट अटैक था वो भी है ही फेवरेट, क्योंकि सुपर आर्चर है, सुपर आर्चर चाहे सीसी के अंदर हो या मेन आर्मी के अंदर हो, सुपर आर्चर है तो फेवरेट है। तो भाई आप लोग कमेंट करके बताओ आपकी फेवरेट आर्मी कौन सी है। तो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।